जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदेश समेत जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन दिया गया और जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला है। रोडवेज कर्मिकों की मांग है कि सरकार वेतन और पेंशन के स्थायी समाधान करे, 5,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाए, इसके साथ ही 1,000 नई बसों को खरीदा जाए। 11 सूत्री मांगों को लेकर समाधान करने की ये मांग और इसको लेकर नाराजगी, रोडवेज कर्मिकों ने विरोध के दौरान बजट की प्रतियां भी जलाई है और इसके बाद जिला कलेक्टर्स और रोडवेज MD को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को इस बजट सत्र में कुछ नहीं मिलने के कारण आज कर्मचारियों ने विरोध दर्ज किया है और विरोध प्रदर्शन कर आज सरकार के खिलाफ जो इस बजट सत्र की प्रतियां हैं वो जलाई गई है। आखिर में क्या इस बजट में रोडवेज को दिया गया है और क्या नहीं दिया है उसको लेकर आज रोडवेज कर्मचारियों की जो यूनियन के पदाधिकारी है उनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या है। सर, इस बार जो बजट सत्र में ऐसी क्या मांगी थी जो रोडवेज कर्मचारियों की पूरी नहीं की गई, जो आज इस बजट सत्र की कॉपियां जलाई जा रही है। रोडवेज में हमारी प्रमुख मांग रही कि रोडवेज कर्मचारियों की वेतन पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान समय पे हो। OPS लागू तो की है सरकार ने, लेकिन OPS के लिए व्यवस्था क्या की है ये बजट में कहीं प्रोविजन नहीं है। आज भी हमारे तीन महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है और सर्विस मॉडल पे पहली बार बजट में सर्विस मॉडल क्या होता है, बिना खर्चे के बजट कैसे हो गया। सर्विस मॉडल पे बस लेना निजीकरण को बढ़ावा देना है। हम लोगों की उपेक्षाएं की थी और उपेक्षा का परिणाम उसको भुगतना पड़ा। आज भी हम यही कह रहे हैं कि ये सरकार समय रहते हुए रोडवेज कर्मचारी की जो समस्याएं उसका समाधान करे, अंततः अपने परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। टाइम पे हमको हमारा बजट दिया जाए, टाइम पे वेतन दिया जाए, टाइम पे जो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने घोषणा करी है वो सब सुविधाएं हमें टाइम से दी जाए। अच्छी बात है कि महिलाओं को 50% सुविधाएं दी गई है, हम इससे खुश हैं, लेकिन हर चीज टाइम से दी जाए। प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है रोडवेज, जो सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाता है, लेकिन सरकार को जो कर्मचारियों का वेतन पेंशन है और जो रोडवेज की खुद की नई बसें खरीदनी और जो नई भर्ती है वो भी सरकार को करनी चाहिए ताकि रोडवेज को एक अच्छा संबल मिल सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।